वंदे मातरम की। वंदे मातरम का माना है कि मैं धरती तुझे झुककर प्रणाम करता हूं, तेरे आगे झुकता हूं। तो मुस्लिम इसको बुरा ना माने। देखिए, जहां तक मुस्लिम का मसला है, अगर मैं आपसे कहूं कि गॉड इज द ग्रेटेस्ट स्टेटमेंट, आप मेरे साथ देना पसंद करेंगे? सबसे बड़ा है, इसको आप मानेंगे? अगर मैं हिंदू से कहूं तू कल से अल्लाह अकबर बोलना शुरू कर, मैं बोल रहा हूं तू भी बोल, तो आप कहेंगे भाई तू बोल, मैं नहीं बोलूंगा। एज ए मुस्लिम तू बोलता है अल्लाह अकबर, अल्लाह इज द ग्रेटेस्ट, ठीक है, तू मुझे क्यों बोल रहा है अल्लाह अकबर बोलने के? तो जबरदस्ती मत कर। हम कह रहे हैं वंदे मातरम, जब तक जितने लोग बोलना चाह रहे हैं बोलो। हम मुस्लिम्स अगर धरती के आगे नहीं झुकते हैं, का मतलब हम धरती से मोहब्बत नहीं करते, कैसा हो गया? हम मुस्लिम्स हमारे मां बाप के आगे भी नहीं झुकते, इसका मतलब यह कैसे निकला कि मां बाप से मोहब्बत नहीं करते? हमको अल्लाह ने कहा कि सिवाय मेरे किसी के आगे मत झुको। अल्लाह ने कहा तुम धरती को झुकने के बजाय उसके आगे झुको जिसने तुम्हारे लिए धरती बनाई है। और हम यही बात हमारे हिंदू धर्म के मानने वालों को कहते हैं कि तुम धरती के आगे क्यों झुक रहे हो? क्योंकि धरती भगवान नहीं है, और धरती जो तुम जिसके आगे झुक रहे हो, इसकी ज्योग्राफी हर थोड़े दिन में चेंज होती। 1947 के पहले पाकिस्तान भी वंदे मातरम में था, लोग पाकिस्तान में भी झुकते थे। अब आज का मतलब मां चेंज हो गई हो, मां के पीसेस होते रहते। तो इस्लाम कहता है ऐसी जगह झुकते ही क्यों हो जिसके टुकड़े होते हैं, उसके सामने झुको जो कभी बढ़ ही नहीं सकता इंशाल्लाह।